कैसे हैं आप लोग? लेकिन आज कोई भी नया कुछ भी नहीं आया है इवेंट में, वही पुराना हर एक चीज़ें आए और पोकेमोन कन्वर्सेशन पे कुछ भी खास, मतलब कुछ भी नहीं आया है। मतलब खास तो क्या है, दूर की बात है, लेकिन कुछ भी नहीं आया है। चलो हम लोग चेकआउट कर लेते हैं यहाँ से। टेली यहाँ पे ये तो वही है। तो यहाँ पे ये क्या है, ट्विस्ट एक क्या रिवेल, तो यहाँ पे कुछ एक भी लेगा वो तो छोड़ दो। और यहाँ पे टास्क एक्सपर्ट हमारा फिर से आ चुका है गाइस, और सभी जानते हो इसके बारे में, बहुत बार बोलता हूँ। सिर्फ एक ही टास्क को ध्यान रखा, वो है रिफरल टिकट वाला टास्क। और सिर्फ उसे 5 ओवर टाइप पोकेमॉन पकड़ो 50 इंडिविजुअल वैल्यू के अंदर, ऊपर या फिर अंदर 50 इंडिविजुअल वैल्यू मिनिमम उसका चाहिए, तो फिर आपको 6 दिनों तक लगातार एक रिफरल टिकट मिल जाएगा। फिर यहाँ पे वो सीचन में आ जाएंगे। टॉपअप ये टॉपअप वाला इवेंट है, तो टॉपअप वाला इवेंट कहना पे कर यो सिंगल टॉपअप। यहाँ पे डबल टॉपअप वाला इवेंट यहाँ पे फिर से आ चुका है, जितने भी डायमंड टॉपअप करोगे उससे डबल मिलेगा। अगर 6000 डायमंड टॉपअप करोगे तो 12000 डायमंड मिलेगा, अगर 30 डायमंड टॉपअप करोगे तो 60 डायमंड मिलेगा। डबल टॉपअप वाला इवेंट फिर से आ चुका है, बहुत ही फायदे वाला है, लेकिन सिर्फ डायमंड के लिए। और पोकेमॉन मेगा यहाँ पे और कुछ भी नहीं आया यहाँ पे मेगा। फिर नीचे आ जाए, काली वर्ल्ड फॉर सिंगल टॉप अप, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये सारे के सारे टॉप अप वाले इवेंट है, तो इन सब में बोल नहीं रहा क्योंकि ये सबके लिए नहीं होता। और फिर लाकी ट्रामे लग रहे हैं तो हम लोग बाद में देख लेंगे। फिर यहाँ पे सैम्यूल ओक रेजर चिस्ट, तो यहाँ पे आ चुका है रुइन एम एंड इन रुइन एम। यहाँ पे मतलब हर एक रुइन का, हर एक पोजिशन का आ चुका है एम व एल, ये है नंबर 1 का, नंबर 2 ऐसे करके नंबर 6 तक है, एंड एन भी नंबर 1 से लेके 6 तक है। तो रुइन तो बहुत ही काम का है गाइस, बहुत ही काम का, तो आप चाहो तो ले सकते हो यहाँ से। और 80 विस एक्सचेंज चाहिए इसके लिए, बहुत महंगा भी तो है लेकिन बहुत ही कमाल का रुइन है। और अगर रुइंस के बारे में, रुइंस के बारे में जानना चाहते हो तो वो ये रुइंस वाला इवेंट चाहिए तो पहली बार आता था, मैंने कह दिया ताकि कौन सा अच्छा है, कौन सा बेकार है, कौन सा क्या, मतलब कौन सा क्या करता है, तो चाहते हो तो फिर को चेकआउट कर सकते हो। और फिर यहाँ पे आया टेक्निकल मशीन सर, लेकिन इस बार कॉस्ट और भी बढ़ा दिया। शायद एकदम पहले जब आया था एक विस सेशन का हो सकता, फिर हो गया था 2 विस सेशन वाउचर, फिर हो गया था 3, और इस बार डायरेक्ट 5। भाई बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो गया, लेकिन क्यों आई डोंट नो। और फिर यहाँ पर नीचे आ चुका है गिराटिना फूल सर, ना जिसको भी पसंद है अभी ले लो, गिराटिना बहुत ही कमाल का पोकेमॉन अभी बन चुका है अपडेट के बाद। और फिर नीचे आ चुका है 5B रीटो, ये तो भाई कोई ले लेता शायद, ये कौन कॉस्ट देखो इसका 3000, मतलब 300 यू सीचन वाउचर से एक रिट्टो हम लोगों को मिलेगा 5B रिट्टो, तो भी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली। और यहाँ पे हम लोग खरीद सकते हैं 50 विस सेशन वाउचर इस वीक, और मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास कॉफ़ी नहीं है। चलो और नीचे देख लेते हैं, नीचे यहाँ पे फिर से गिराटिना और सब कुछ है। और यहाँ पे डिट्टो 3B डिट्टो नहीं है, यहाँ पे 5B डिट्टो आ गया और 3B डिट्टो नहीं दिया। फेस्टिवल ड्रॉपिंग, और यहाँ पे 20 सेशन वाउचर फिर से आ चुका है, और बीस सेशन सी में आ चुका है होप्पा। होप्पा बहुत ही कमाल का पकवान है, कितना कमाल का पकवान है ये तो आप सभी जानते ही हो। और अगर उसका इवोल्यूशन स्टोन नहीं है या फिर आप अभी तक इवॉल्व नहीं किया तो फिर यहाँ चार से अभी इवोल्यूशन स्टोन ले लो मेरे भाई। तो यहाँ पे नीचे आ चुका है उसका एक्सक्लूसिव मूव 5 फ्यूरी, बहुत ही कमाल का है। और यहाँ पे आ चुका है सैंडस्टॉर्म ग्राउंडर उतना खास पोकेमॉन नहीं है, और इसको फुल इग्नोर ही करने वाले पोकेमॉन को। और फिर नेक्स्ट पे आ जाएंगे। और हाँ गाइस, एक और बात, अगर ये सारे इवेंट के बारे में, बिस्टिंग ABC ये सारे सारे इवेंट में, हर एक पोकेमॉन के बारे में एंड पोकेमॉन के एक्सक्लूसिव गियर के बारे में, एक्सक्लूसिव मूव के बारे में हर एक डिटेल जानना चाहते हो, तो ये इवेंट जब पहली बार आया था मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, हर एक डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और इसलिए मैं बार बार मतलब रिपीट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एकदम जितना शॉर्ट हो सके मैं बता दे रहा हूँ। और फिर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे मार्सेडो भी उतना खास नहीं है तो इसको भी इग्नोर करना। और फिर स्टेशन बी में आ जाएंगे, और यहाँ पे फ्यूरियस फ्यूरियस का लाइक होता है, कमाल का पकवान है, आइस टाइप एंड ड्रैगन टाइप पकवान है। इस गेम पे सेकंड आइस टाइप सबसे बेस्ट पकवान है फ्यूरियस राइकोजा, या फिर आइस राइकोजा भी कह सकती हो। फर्स्ट है आइस गार्ड है, और फिर सेकंड है आइस राइकोजा, कमाल का है, ले ही सकते हो।
फिर यहाँ पे आ चुका है निक्रोजो, निक्रोजो आप बहुत ही औसत पोकमॉन है, इसको भी ले सकते हो अगर आप लोगों को ये कौन सा टाइप है मैं भूल गया, साइकिक टाइप पोकमॉन चाहिए तो फिर ले ही सकते हो। फिर यहाँ पे है जरूरा, जरूरा भी ले सकते हो, फाइटिंग और इलेक्ट्रिक टाइप भी पोकमॉन है, या फिर फाइटिंग टाइप पोकमॉन आप लोगों को पसंद है तो फिर आप स्टील म्यूटू भी ले सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिक टाइप पसंद है तो डिस्ट्रॉय म्यूटू भी ले सकते हो। लेकिन अगर जरूरा भी लोगे तो भी मतलब उतना बुरा नहीं होगा, बहुत ही अच्छा पोकमॉन भी है। और शायद इसका स्पीड थोड़ा कम था, मैं भूल गया, चलो देख लेते हैं यहाँ पे। और नहीं, स्पीड इसका बहुत ही ज़्यादा, इसलिए मैं कह रहा था, मैंने इसका इसका रीज़न मैं भूल गया था। और हाँ, स्पीड बहुत ही ज़्यादा, लेकिन फिजिकल अटैक थोड़ा कम दिख रहा है ना। लेकिन अगर फिजिकल अटैक यहाँ पे एफर्ट वैल्यू बहुत ही ज़्यादा 300 पूरा मैक्स हो गया तो फिर ये बहुत ही काम का हो जाएगा। इसके स्पीड की वजह से मैं इसको कहता हूँ कि इसको ले लो, जरूरा जरूरा को, बहुत ही कमाल का है इसका स्पीड। और फिर यहाँ पे पीसीएचएन ए में आ जाएंगे, पीसीएचएन ए में एक यहाँ पे आ चुका है क्रिम्सन म्यूटू। और गाइस, अगर म्यूटू आपको पसंद है ना तो फिर इसको छोड़ के हर एक म्यूटू ही कमाल का है, क्योंकि ये वाला म्यूटू भी कमाल का है। लेकिन अगर इसको लेना चाहते हो तो फुल इवोल्यूशन सेट के लास्ट साथ लेना, मतलब कॉन्वर्सेशन स्टोन के साथ ही लेना। इवोल्यूशन स्टोन तो ले, मतलब उसको तो लेना ही, और उसके साथ कॉन्वर्सेशन स्टोन के साथ लेना, क्योंकि बिना कॉन्वर्ट के ये पोकमॉन उतना खास नहीं होने वाला, सिर्फ सिर्फ इवॉल्व के। और फिर यहाँ पे नीचे आ चुका है यहाँ पे हमारा डॉनविश, डॉनविश भी बहुत ही कमाल का पोकमॉन है। और नीचे यहाँ पे बीच में बी एंड ए में मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे पोकमॉन है। और फिर यहाँ पे एक्सट्रीम स्पीड डिओक्स, ये तो मतलब तबाही है, इसका सबसे, इस गेम का सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा स्पीड वाला पोकमॉन। अगर चाहो तो बीच स्टेशन ए बी सी में जाएगा, चाहो तो इसी एक भी पोकमॉन को लेना चाहते हो तो एकदम आँख बंद करके एक्सट्रीम स्पीड डिओक्सिस को ले लो, बहुत ही कमाल का है। और साथ ही कैन फ्लाइंग टाइप पोकमॉन है। और फिर यहाँ पे बोनस इवेंट पे आ जाएंगे, बोनस इवेंट एक्सचेंज, यहाँ पे कुछ तो नया आना चाहिए। तो नीचे नीचे और नीचे कुछ नहीं है गाइस, और क्या ही कर सकते हैं, बस इवेंट इतना ही दे चुका है। और बहुत से लोगों का ऑरिजिन म्यूटो का वेट कर रहे थे, लेकिन ऑरिजिन म्यूटो अभी तक नहीं आया, और आई डोंट नो कब आएगा, या फिर आएगा भी आ गई या फिर नहीं, ये भी नहीं पता। और चलो छोड़ दो, और यहाँ पे इवेंट ख़त्म होगा, चलो हम लोग क्या कुछ बाकी यहाँ पे सुप्रीम टू को अभी तो नहीं आएगा। और फिर यहाँ पे क्या बच्चों में भी देख लेते हैं, क्या बच्चों में क्या कौन सा नया पोकमॉन आया है। और क्या बच्चों में यहाँ पे आ चुका है हमारा, इसका नाम क्या है, नीलेगो, नीलेगो नाम था ना, और नीलेगो आ चुका है। और ये बहुत ही औसत पोकमॉन है, अगर आपके पास 200 प्लस रेफरल टिकट है तो फिर ट्राई कर सकते हो, बहुत ही काम देने वाला है ये वाला पोकेमॉन। और कहीं पर कुछ नहीं आया, और शायद मेगाडोन भी, मेगाडोन तो वो तो सब सभी जानते ही हो, बहुत ही फायदेमंद वाला इवेंट है, और बहुत कुछ कलेक्ट करो। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो एकदम पहला आप लोगों, आप सभी को कलेक्ट करना चाहिए वो तो है प्लेट्स, प्लेट्स एकदम पहला, या फिर आप लोगों को जो ज़रूरत है, जैसे कि मतलब प्लेट्स तो मतलब सबसे इस गेम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेट्स। लेकिन आप लोग अगर कुछ पोकेमॉन को पहले पावरफुल होना चाहते हो, जैसे कि पहले आप लोगों को उसको परफेक्ट देना चाहते हो, फिर पिक्स भी ले सकते हो, या फिर इफर्ट वैल्यू भी ले सकते हो, इफर्ट वैल्यू फुल मैक्स करना चाहिए हमेशा, इफर्ट वैल्यू भी ले सकते हो, बहुत ही चाहिए इफर्ट वैल्यू सभी को। और फिर यहाँ पे आर्च लंच भी ले सकते हो प्लेट्स को मैक्स करने के लिए, ये तो मतलब और भी ज़्यादा, प्लेट्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर प्लेट्स से कम, दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्च एनर्जी एंड प्लेट्स के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। और फिर ये तीनों ही ले सकते हो, और कुछ नहीं है, और नहीं ये चारों ठीक है। और फिर और कुछ बता रहा है, टम्बल भी तो चेक करना चाहिए, तो लोग टम्बल भी चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे ये क्या है, ये कौन सा जोकर वाला पकवान है रे। और ये 10,000 डायमंड भी कन्फर्म मिलने वाला है, या फिर उससे पहले भी मिल सकता है, चलो देख लेते हैं एक बार पकवान के बारे में क्या, इसका नाम क्या है, बेला खेप, बेला चेपेलियन, ये क्या है, ये नाम भी बेकार है, बलून जैसा पकवान है और फायर टाइप पकवान है, बलून है लेकिन जल तो जाना चाहिए, फायर एंड घोस्ट इसलिए नहीं जल रहा, मतलब जल तो रहा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा। और चलो इसके लिए एस टी आर भी देख लेते हैं, ये स्पी अटैक टाइप है, लेकिन स्पेशल अटैक, ये पोकमॉन बिल्कुल भी बेकार है, एकदम ही बेकार पोकमॉन है, बिल्कुल भी टाइमर मत करो यहाँ पे, डायमंड अपना डायमंड सेव करो, बहुत ही बेकार से पोकमॉन है, कुछ भी काम का नहीं है। और चाहो तो यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं मिथिकल मेगा स्टोन के लिए, मिथिकल मेगा स्टोन थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है यहाँ पे स्पिन करने में, यहाँ से इसको कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन बेकार करना है, अगर ये पोकमॉन मिल गया तो बेकार ही हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही, आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, अगर आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और इससे पहले चीज़ ने भी अभी तक सब्सक्राइब वाले बटन की तरफ देखा नहीं, छुआ नहीं, ऐसा मत किया करो मेरे भाई, उसके बाद देख के छू के रेड से ग्रे कलर कर दो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस।